नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक डिज़ाइन के बारे में बात करूंगा कि हमने उस डिज़ाइन में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करे और उसे कैसे ड्रॉ किया। ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये एक हेक्सा गाड़ी का एक पोस्टर का डिज़ाइन है और इसमें वैसे तो देखने में ये बिल्कुल सिंपल ही लग रहा है, लेकिन इसमें इस डिज़ाइन में एक ख़ास चीज़ है जो यूज़ की गई है। मैं आपको उसी के बारे में बताऊँगा कि इसमें बैकग्राउंड में डिज़ाइनर ने एक डॉट पैटर्न यूज़ किया हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे से जो डॉट्स हैं ये एक बिल्कुल पैरेलल पोजीशन पे सेट किए गए हैं और ये सभी में पूरा जो डिज़ाइन है वो उसी हिसाब से बनाया गया है। अब ये जितने भी डॉट्स हैं आप देख लो, यहाँ पे ये टाटा मोटर्स का जो लोगो लगा हुआ है तो उतनी ही हाइट रखी गई है, फिर ये यहाँ से ये डॉट का अलाइनमेंट है यहाँ से है, अब ये वाले जो हैं जो बॉक्सेज हैं बिल्कुल डॉट के साइज से डॉट से मैच किए गए हैं, फिर नीचे भी ऐसा किया गया है, ये आधा है तो हाफ डॉट तक, मतलब जिसमें ये जो पिक्चर है गाड़ी की ये भी इसी तरह से यूज़ की गई है कि डॉट्स कहीं से भी डिस्टर्ब ना हो। अब ये नीचे देखते हैं तो ये जो है बॉक्स बना हुआ है जिसमें गाड़ी की पिक्चर है, इसमें भी डॉट्स जो कॉर्नर से डॉट्स को टच किया गया है, फिर एक छोड़ा है फिर दूसरा, पूरा जो डिज़ाइन है ये इसी हिसाब से बनाया गया है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हम ऐसा डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जो बैकग्राउंड है इमेज वो तो है ही हमारे पास और उसमें सारी चीज़ें की हुई हैं, हम एक नया बैकग्राउंड लेकर उसमें ये डॉट इफेक्ट और ये जो लोगो वगैरह है इन्हें उतने ही जो चीज़ें हैं उन्हें सेट करने की कोशिश करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि इसे हम किस तरह से जल्दी कर सकते हैं। इसको करने के वैसे तो दो तीन तरीके हैं पर मैं आपको पहले एक जो जनरली लोग करते हैं वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद जिस तरीके से करना चाहिए वो भी आपको इसमें जानने को मिलेगा। इसे फिलहाल साइड में रख देते हैं और जैसे कि अब हमें लगभग जो साइज चाहिए वो इसका साइज ले लेते हैं, लगभग इतना साइज है इसका। पी प्रेस करेंगे, पी से सेंटर ऑफ पेज हो जाता है। अब हमारे पास ये शेड्स हैं, दो आप चाहें अगर सेम शेड लेना चाहते हैं तो ये जो होता है आई ड्रॉपर टूल इसे सेलेक्ट करेंगे, कोई भी कलर आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले के फिल कर सकते हैं। अब हमें ग्रेडियंट फिल करना है इसमें, नीचे हमें ये ग्रे कलर चाहिए तो इसके लिए अब हमें इसमें ग्रेडियंट फिल करना पड़ेगा। चाहे तो आप यहीं पे नीचे जाके इसमें डबल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करके आप यहीं से ऊपर से ही फाउंटेन फिल पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये ग्रेडियंट आपको मिल जाएगा। जो दूसरे वर्जन है उसमें ये फाउंटेन फिल दूसरी जगह मिलेगा पर आपको सारी चीज़ें वहीं मिलेंगी। और इसे हम यहाँ पे ग्रे सा शेड ले लेते हैं। देखिए अब जैसे मैच कर रहा है, अगर आप मैच नहीं करना चाहते इस शेड को तो आप उसी कलर पे ये जो नीचे डॉट है उसी पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और जो कलर है वो हमारे पास ऐड हो जाता है। जैसे मैंने क्लिक किया एक और ऐड हो गया, इसे आप आगे तक ले जाएंगे तो वो ऊपर आप देख सकते हैं। सेम चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हैं और ये जो दूसरा कलर आया है इसे आप शिफ्ट करके यहाँ तक ले जाए, उससे ये ऐसा सा शेड आ जाएगा कि पूरे में ग्रे मिक्सिंग उतने ही पार्ट में होगी। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ से और इस पॉइंट तक एक ही कलर है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ही कलर है, तो जितनी भी आपको मिक्सिंग करनी है आप वो कर सकते हैं। और अब हम इसे रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, ये हमारा अपोजिट हो गया, -90 करेंगे जिससे हमारा जो है कलर जो है ऊपर नीचे हो जाए। ओके कर देंगे, शेड हमारा लगभग लगभग मैच हो गया है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हमें डॉटेड डिज़ाइन चाहिए। देखिए डॉट लेने के क्या तरीके हैं, डॉट आप स्क्वायर से ही बना सकते हैं, सर्कल से भी बना सकते हैं, आप बड़ा करेंगे सर्कल बना देंगे, छोटा सा कंट्रोल प्रेस करके जिससे डेफिनेट सर्कल में, इसमें ब्लैक इंक भरेंगे, आउटलाइन नील कर देंगे और उसके बाद हम इसकी मल्टीपल कॉपीज कर देंगे। उसके बाद जैसे हमने राइट क्लिक किया दूसरे बार, फिर आप कंट्रोल आर कर सकते हैं, रिपीट हो जाएगा और ऐसे ही हम इसे नीचे करेंगे। पर इस अगर आप ऐसे बनाते हैं इसमें एक ख़ास तरह की दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है कि अगर आपको इनके अंदर गैप बढ़ाना है या घटाना है तो आपको बहुत ही परेशानी आएगी, या तो आपको पहले पूरी लाइन को पहले एक तरह से सेट करना पड़ेगा छोटा बड़ा करके हर तरह से, जैसे अभी मोटी डॉट है वो वाली पतली डॉट है आपको कैसी चाहिए, पतली और चाहिए, या जैसे अब मैंने छोटा किया कंट्रोल आर से आप पतले ही कर सकते हैं,
जितनी भी चाहिए आप इसे हल्का सा सेट करेंगे, फिर ग्रुप करके जब हमारी फाइनल हो जाएगी लाइन, फिर हम उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक तो हो गया ये तरीका जो थोड़ा सा टफ है। एक आसान तरीका और है, इसमें डिलीट कर देते हैं इसे। एक आसान तरीका है, आप टेक्स्ट टूल पे जाएं और टेक्स्ट से इसमें आप डॉट लगाना शुरू करते हैं। डॉट आपने लगाई, अब हमें डॉट कोई ऐसे फॉन्ट की इसमें सेलेक्ट, हालांकि पता नहीं चल रहा है, पर आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डॉट किसी ऐसे फॉन्ट की सिलेक्ट कर ले जो राउंड हो। राउंडेड डॉट के लिए आप कोई भी राउंडेड फॉन्ट यूज कर सकते हैं, जैसे ये एरियल राउंडेड है, राउंड हो गई डॉट्स। इसमें क्या, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, F10 से इसे खींच सकते हैं, जितनी भी आपको स्पेस चाहिए, जितनी भी बड़ा चाहिए छोटा चाहिए। इसमें एक और चीज़ भी है, आप मान लीजिए आपको अगर ये करनी है डॉट छोटी या बड़ी, तो आप सिंपली इसका साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से 20 कर देंगे और छोटी चाहिए 15 कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब आपको दोबारा से और ज़्यादा बड़ी चाहिए तो आप यहाँ से और इसे ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपको मोटे पतली करनी है तो तुरंत हो जाएगा, ये जो फालतू की डॉट्स हैं ये आप हटा भी सकते हैं, हटा देते हैं इन्हें। हमारे पास ये लाइन आई, इसी को हमने कॉपी कर लिया और नीचे एंटर मार कर हमने इसे पेस्ट कर दिया। तीन चार लाइनें हमने इसे पेस्ट कर दी। अब हमने क्या किया, दोबारा गए हम शेप टूल पे, शेप टूल पे ये जो आया इसे हम पॉइंटर को नीचे करेंगे, जितना भी आपको चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जहाँ पे भी लगे कि हाँ वो बिल्कुल एक स्क्वायर टाइप बन गया, या और ज़्यादा चौड़ा चाहिए, कुछ कम चाहिए, थोड़ी डॉट मोटी पतली चाहिए, तो आप तुरंत कर सकते हैं, ये आप तुरंत कर पाएंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे कर लिया है जैसे, उसके बाद इसे दोबारा कॉपी करके, और अब हम नीचे कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से अब हम पेस्ट कर रहे हैं नीचे तक। ये हमने पेस्ट कर दिया है, अभी हमारे पास डॉटेड टेक्सचर आ गया। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसे पावर क्लिक कर देंगे अंदर। अब ये हमारे पास जो है टेक्सचर आ गया है इसमें, और इसमें अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो मार्जिन है उसमें भी सेम गैप छोड़ा हुआ है, तो वो आप लोग सेट कर सकते हैं। इसे कंट्रोल प्रेस करके अंदर जाएंगे और कहीं से भी शुरुआत से इसे ले लेंगे। अब ये हमने शिफ्ट करके इधर लिया है, और फिर कंट्रोल प्रेस करके ही बाहर आ जाएंगे। ये हमारा लगभग जो है टेक्सचर तैयार हो गया है। अब इसमें क्या किया हुआ है, इसमें अंदर वाले जो टेक्सचर हैं इसमें, इसे हम कर्व कर देंगे। कर्व करने के बाद अब हमें जो जो डॉट्स हटानी है वहाँ पे हम ये डिलीट कर सकते हैं। इसे हम पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे जिससे डॉट्स बाहर आ जाएं। डॉट्स बाहर आ गई, अब ये जैसे हमें यहाँ पे लोगो लगाना है, हम F10 पे जाएंगे, शेप टूल पे क्लिक करेंगे, इस पे डॉट्स पे क्लिक करेंगे, इन्हें अनग्रुप करके आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं। जैसे F10 पे गए, अब हमें टाटा मोटर्स में हमने चार डॉट्स हटा रखी हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें लोगो है कंपनी का, तो हम ये 2 3 4 5 ये लोग, ये डॉट्स को हम हटा देंगे, इस एरिया में हमारा टाटा मोटर्स का लोगो आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे ये चार डॉट्स यूज़ हो रखी हैं, यहाँ पे भी हम ये वाली जो हैं 6 डॉट्स ये हटा देंगे जो यूज़ हुई हुई हैं। अब इसके बाद जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हमें कॉर्नर पे हैं, तो वहाँ पे क्या किया हुआ है कि ये जो नॉड आई है इसी से हमें 2 नोड्स तक चाहिए। ये अगर नोड आपके में नहीं आ रही है तो आप ऑल्ट जेड इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्ट जेड से स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स होता है, जिससे फिर आपको बार बार बड़ा और छोटा करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने नोड पे बनाया यहाँ पे, और इसके अंदर फिर कलर फिल कर दिया, आउटलाइन हमने नील कर दी। अगर आपकी नोट्स नहीं आ रही हैं तो आप ऑल्ट जेड
दबा सकते हैं। ऑल्ट जेड एक बारी अभी मैं दबा के बताता हूँ आपको। जैसे अब हमने दबा दिया है तो इसमें अब कोई भी वो नहीं बता रहा है। दोबारा हम ऑल्ट जेड दबाएंगे तो अब वो दोबारा मिड पॉइंट्स वगैरह दिखा रहा है। दूसरा जो बॉक्स है वो भी हमने ऐसे ही बनाया हुआ है। दूसरा जो बॉक्स है ऐसा है और उसके अंदर लाइट ब्लू कलर भर दिया है, आउटलाइन उसकी नील कर दी है। ऐसे ही अब हम चलेंगे नीचे, जो वाइट है बॉक्स सेम जाएंगे। वाइट बॉक्स को यहाँ से कहीं से इन्होंने बनाया हुआ है और आगे तक लेकर गए हैं, उसे ऐसे लेके जाएंगे, वाइट बॉक्स भर देंगे उसमें, आउटलाइन नील कर देंगे। राइट क्लिक से आउटलाइन नील होती है। ये जो थोड़ा सा हम ये जो देख पा रहे हैं डॉट्स, ये डॉट्स इसमें क्या है, इन्होंने हटा दिए हैं, सिर्फ जो कॉर्नर्स की डॉट है वो रखी हुई है। अब इन्हें हटाने के लिए हम दोबारा F10 पे जाएंगे, शेप टूल पे, और इन्हें बीच की जो डॉट्स है इन्हें बिल्कुल डिलीट कर देंगे। ये ऐसे आप इन्हें डिलीट कर दीजिए। ऐसे ही नीचे से भी हम ये जो डॉट्स हैं इन्हें डिलीट कर देंगे। अब ये ऐसे ही हो गया, बीच में सिर्फ कॉर्नर्स पे हम डॉट देख पा रहे हैं। और ऐसे ही जब ये पिक्चर लगाई है तो उस पर भी सेम चीज़ की गई है, और नीचे भी ये जो इमेजेस हैं इन पे भी ये सेम चीज़ की गई है। यहाँ से हमने जैसे चलाया, हमने एक बॉक्स बनाया, इसके अंदर गाड़ी की पिक्चर लगा दी हमने, वाइट फिल किया इसे सेलेक्ट करके, आउटलाइन नील कर दी। बड़ा करना है आपको, जो भी करना है आप कर सकते हैं वो। और दूसरी जो इमेज है हमने एक डॉट छोड़ के वो दूसरे डॉट्स पे हमने ये यहाँ लगा दिया, और ऐसे ही हमने एक जो है बॉक्स नीचे ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। इसमें भी हम वाइट फिल करेंगे और ये बॉक्स जो है हमारा तैयार है। और सेम चीज़ है, जहाँ जहाँ पे इसमें इन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वहाँ से ये डॉट्स हटा दिए हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं कि इन कॉर्नर्स पे डॉट हैं और साइडों में नहीं दिख रही हैं, तो इन्होंने क्या किया है, डॉट्स को सेलेक्ट किया है और वहीं से शेप टूल से वो डॉट्स जो है रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद फिर वो प्लेन दिखाई दे रही है हमें। ऐसा सभी में आप कर देंगे तो ये डिज़ाइन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हम इन डॉट्स को दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे, सभी चीज़ों को, बॉक्सेस को छोड़ देंगे ताकि बॉक्सेस को आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो चाहो तो आप बॉक्सेस को भी उसके अंदर पावर क्लिप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के जब आउटर बॉक्स से डीसेलेक्ट कर देंगे ताकि उसके अंदर हमें पावर क्लिप करना है, राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करेंगे और क्लिक कर देंगे। अब हमारा ये जो डिज़ाइन है तैयार है, आप देख सकते हैं। सिर्फ एक गाड़ी की पिक्चर लगानी है और जहाँ जहाँ पिक्चर आएगी वहाँ पे हमें डॉट्स जो है हटा देनी है। ये डिज़ाइन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये मिल जाएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको इसमें कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।